मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने आज आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ज्यादातर श्रद्धालु भारी वाहनों से अयोध्या पहुंचते हैं। भारी वाहनों के अयोध्या शहर में आने से दिक्कत होती है, इसलिए अयोध्या के बाहरी स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालु अपने भारी वाहन से पार्किंग स्थल पर पहुंचे और उसके बाद ई रिक्शा और ऑटो के माध्यम से अयोध्या शहर के अंदर आएं। अयोध्या शहर के अंदर भी ऑटो और ई रिक्शा पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि लखनऊ हाईवे, रायबरेली हाईवे, प्रयागराज हाईवे और गोरखपुर हाईवे के पास पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। इस स्थल पर भारी वाहन पार्क किए जाएंगे। सड़क दुर्घटना पर एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं यह देखा जा रहा है कि सड़क किनारे जो पटरियां बनी है वह व्यवस्थित नहीं है, इससे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बैठक में निर्देश दिए गए कि सड़क के किनारे बने पटरियों को भी व्यवस्थित किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। देखिए, आप सब लोग परिचित है कि ये अयोध्या जो है हमारी विश्व स्तर की ये बहुत बड़ा पवित्र और तीर्थ क्षेत्र है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलरली आते रहते हैं और उनके बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इसको कैसे हम लोग भविष्य में इसकी जो आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कितना हम लोग भविष्य की योजनाएं बनाई जानी है। तो इतनी व्यापक रूप से पूरी देश दुनिया से जो लोग आएंगे उनके लिए हम लोग समुचित व्यवस्था कैसे करा, इसको देख लगातार उसमें बैठक होती रहती है। हमारे जो परिवहन का है इसमें बड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे कॉम्प्रहेंसिव ट्रैफिक प्लान बनाए, जितनी जो व्हीकल्स आ रहे हैं, बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं उसको कैसे हम लोग व्यवस्थित किए करके, तो उसके लिए पूरी अयोध्या के चारों ओर बाहर से आने वाली विभिन्न सड़कों से आने वाली व्हीकल्स को बाहर उसको ढंग से उसका हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कराना, फिर वहाँ के आने वाली यात्रियों के लिए अंदर शहर के अंदर जब वो आएंगे यहाँ शहर के अंदर की भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है एक तो ये बात है और दूसरी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जगह जगह पे, जब जितना लोग बाहर से संख्या बढ़ेगी तो वो जो सड़कों में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हमारी पूरी अयोध्या के क्षेत्रों पूरे मंडल में जो जो सड़क जो सड़क दुर्घटना का शिकार होने का जो कारण है लोगों का, तो बच्चे भाई ढंग से गाड़ी चलाना नहीं आता है, जो नौसिखी है और उसको जिधर से चाहे उधर से लोग अंदर जो है जो अवैध कट से घुस आते हैं जो वही सेक्शन और टी सेक्शन में, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग ध्यान देने के लिए सभी कॉलेजों में जागरूकता भी अभियान चलाना है। और जो सड़कों में जो कमियां हैं अभी मैं उनको बता रहा है कि भाई सड़क तो बना दिया, सड़क के बगल में तो शोल्डर बनना चाहिए, उसका जो पेवमेंट बनना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा वैसे हमारे यहाँ पे जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स भी है स्लो मूविंग व्हीकल भी है, हर एक व्यक्ति दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में रहता है, कोई व्यक्ति बाहर थोड़ा साइड में जाना चाहते हैं तो जो पेवमेंट होना चाहिए जो शोल्डर होना चाहिए उसको ढंग से नहीं मेंटेन कर रहा है। मैंने उस चीफ इंजीनियर से बोला है इसका,